Yoast SEO plugin or all-in-one SEO plugin? SEO plugin by Yoast. जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DC for Sure पे। आज का टॉपिक है Yoast SEO plugin। जी हाँ दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करें, कैसे रैंक करें गूगल, बिंग या फिर किसी भी सर्च इंजन पर प्रॉपरली। तो इसके लिए आपको चाहिए Yoast SEO plugin। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है Yoast SEO plugin जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं सेटिंग में जाके। सो गाइज, चलते हैं पहले फीचर्स कौन कौन से ये प्रोवाइड करता है। पहला है रीडेबिलिटी एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर्स काफ़ी कमाल का है। जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी आर्टिकल या फिर ब्लॉग आप जब लिख टाइप कर रहे होते हो, तब ये सॉफ्टवेयर जो ये प्लगइन है, ये आपके आर्टिकल जो आप लिख रहे हो उसको एनालाइज करता है और आपको बताता है कि आपकी कहाँ पे कितनी रीडेबिलिटी है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कम है, ये सब आपको ये एनालिसिस करके बताता है। और गाइज, अभी दूसरा है कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस बेसिकली आपको बताता है कि आपकी कीवर्ड की स्ट्रेंथ या फिर आप कितना स्टफ किया है इस पैराग्राफ या फिर प्रॉपर आर्टिकल में, आपने कितने कीवर्ड डाले हैं, क्या उस हद से ज़्यादा डाल दिए या फिर आपके कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, तो वो ये एनालिसिस करके आपको दिखाता है। देन गाइज, एडवांस सेटिंग पेज, ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी साइट को वाइडली सेटिंग करता है। आपके टाइटल्स, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन, आपके सोशल मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका साइट मैप्स और कई सारे जो होते हैं वो इससे इस पे डिपेंड है, एडवांस सेटिंग पेज पे। तो इसे भी एनेबल रखते हैं। और गाइज, अब है ओन पेज डॉट ओ आर जी। ये गाइज आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन में इंडेक्स करने के लिए यूज़ होता है, वो इंडेक्स करके आपको नोटिफाई करता है। और है एडमिन बार मेनू और दूसरे टेक्स्ट लिंक काउंटर, ये सारे अनेबल ही रखने हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे योर इन्फो, आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे वेब मास्टर टूल, यानी कि आप यहाँ से सीधे डायरेक्टली आप किसी भी वेब मास्टर पर अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। यहाँ पे बिंग है, गूगल सर्च है, वेंड्रैक्स है, तो आप वहाँ पर आप रैंक करवा सकते हो। सिक्योरिटी अभी हमने डिसेबल रखी है। सो गाइज, ये कुछ था जनरल Yoast की सेटिंग्स। अब चलते हैं टाइटल्स एंड मेटास में। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है ये सेपरेटर, आप कोई भी सेपरेटर इनमें से चूज कर सकते हैं। अब चलते हैं सोशल। जी हाँ दोस्तों, ये सोशल प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सोशली जो जहाँ पर भी है आपका अकाउंट, वहाँ उसकी लिंक आपको यहाँ पर डालनी है और सेव चेंजेस करना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से लिंक हो जाएंगे। यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कई सारे दिए गए यूआरएल आपको डालना है सिर्फ। एक्सएमएल साइट मैप्स, जी हाँ दोस्तों, ये Yoast की एक बेस्ट बोले तो है कि इसमें आपको वन बाय वन आपको साइट मैप्स अपलोड, यानी कि इंडेक्स नहीं करवाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स करता है। और यहाँ पे एक मैक्सिमम एंट्रीज पर साइट मैप 1000 दिया गया है, उसके बाद आपको नया करना पड़ेगा। एडवांस सेटिंग जो डिसेबल है, हमने अभी तक इसकी कुछ खास यूज़ नहीं है। टूल्स, सर्च कौनसल, आप यहाँ से सर्च कौनसल का भी यूज़ कर सकते हैं। और गो प्रीमियम, आप अगर Yoast का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे नॉर्मल वाले, फ्री वाले में आपको एक ही कीवर्ड मिलता है सिंगल पोस्ट के लिए, लेकिन आप अगर प्रीमियम पे जाएंगे तो आपको 5 कीवर्ड एक ही पोस्ट यानी कि आर्टिकल पे 5 कीवर्ड आप रैंक करवा सकते हैं। तो ये गाइज आपको प्रीमियम में मिलेगा। अब देखते हैं फ्री वाले में क्या मिलता है। तो चलते, ये हमारी कुछ पहले से लिखी हुई एक पोस्ट है, टाइगर जिंदा है इस पर, जो कि न्यू मूवी, बॉलीवुड मूवी आने वाली है सलमान खान स्टारिंग विथ कैटरीना कैफ। तो देख लेते, पहला सेक्शन है पब्लिश और यहाँ पे देख लेते हैं रीडेबिलिटी गुड है और SEO गुड है, जो हमने आगे बताया था फीचर्स कौन कौन से हैं दोनों में। अगर आप किसी भी पैराग्राफ में लेंथी रख देते हैं, कुछ ज़्यादा स्टफ कर देते हो, तो फिर रीडेबिलिटी यहाँ पे ओके आ जाएगी या फिर पुअर आ जाएगी। और गाइस, नीचे कैटेगरी दी हुई है, फिर टैग्स,
फिर फीचर्ड इमेज और लास्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको दिया गया योर योस्ट एसईओ सेक्शन, इसमें आपको दिया गया कीवर्ड स्निपेट प्रीव्यू पहले दिया जाता है कि आपकी कैसी टाइटल रहेगा, क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या स्लग में क्या रहेगा। इसको एडिट करने के लिए आपको एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है। एसईओ टाइटल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, स्लग चेंज कर सकते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और नीचे दिया गया फोकस कीवर्ड यहाँ पे हमने रखा है टाइगर जिंदा है। आप देख सकते हैं टाइगर जिंदा है, हमने सारे सेक्शन में पहले ही रखा है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं टाइगर जिंदा है, स्लग में देख सकते हैं टाइगर जिंदा है, एसईओ टाइटल में भी आप देख सकते हैं टाइगर जिंदा है, यानी कि ये डार्क कलर में आप देख सकते हैं, यानी कि ये यूज्ड पे एसईओ हमने बढ़िया तरीके से किया है। और आप एनालिसिस ने करके दिखाया कि ये यहाँ पे सारे के सारे ग्रीन है, सभी चीज़ें सारी चीज़ें हमने कर दी है परफेक्टली। सो गाइस कुछ इस तरीके से इसका यूज्ड का यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल DC4Sure को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए इस घंटे को।